Hello everyone, welcome back to our channel Learn Yogi. Today I'm going to tell you a story about Dashera. So let's start. राम जी अयोध्या राज्य के निवासित राजकुमार थे। वनवास के दौरान वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहते थे। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का हरण किया। वानरों और लक्ष्मण की सेना की सहायता से राम ने उन्हें बचाने के लिए लंका पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। राम को पराक्रमी रावण को हराना बहुत कठिन लगा, इसलिए उन्होंने 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग पहलों की प्रार्थना की और रावण को हराने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा की। रामायण में महायुद्ध में जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया था, तब स्वयं लंकाधिपति रावण ने युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी सेना को लेकर रण क्षेत्र में आया। राम और रावण के बीच घमासान युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम के लिए रथ का प्रबंध किया क्योंकि रावण महामहिम योद्धा था। भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध में जब प्रभु श्री राम रावण के सिर काट देते, लेकिन तुरंत ही रावण के धर पर नया सिर आ जाता था। प्रभु श्री राम रावण की इस माया को देखकर हैरान थे। हर बार प्रभु श्री राम रावण का सिर काटते थे, तुरंत ही रावण के घर पर नया सिर आ जाता था। रावण के वध का कोई उपाय ना देखकर भगवान राम चिंता में पड़ गए। तब रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु श्री राम के पास आकर कहने लगे कि हे रघुकुल शिरोमणि, रावण महायोगी है। इसने अपने योग बल से प्राण को नाभि में स्थिर कर रखा है। रावण की मृत्यु उनकी नाभि में स्थित है। कृपया आप अपने दिव्य बाण रावण की नाभि में मारिए। प्रभु श्री राम ने विभीषण की बात को मानकर अपने बाण से एक ऐसा तीर चलाया जो रावण की नाभि में जाकर लगा, जिससे रावण श्री राम का जप करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। इस तरह भगवान श्री राम रावण का वध करने में सफल हुए। फिर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर माता सीता सहित अयोध्या लौट गए। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. For more update, press the bell icon, like, share, and comment down.